आज जो देश के हालात है वो सबको मालूम है, किसी से ढके छुपे नहीं। और जिस तरह से बलात्कार और ये पीड़ा और ये जिस महंगाई बढ़ रही है, हर आदमी इससे परेशान है। ऐसे में एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे इंसानियत को दहला कर रख दिया। हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अकलियती के दिल्ली प्रदेश सदर अब्दुल नदीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे सर, जो ये आजकल का माहौल हो रहा, आखिर हमारा देश किधर जा रहा है? ये सियासत हो रही है, किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अब राबिया के साथ जो हादसा हुआ है, इसकी अभी तक यही जांच नहीं हुई कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग थे और क्यों किया गया है। हर कोई ये कह रहा है ना फांसी दो, तो भाई फांसी किसको दो? जब ये पता चले कि कौन कौन शामिल थे, क्या कारण है, जब भी तो फांसी की मांग करोगे आप। अभी तो यही क्लियर नहीं हो रही। कोई एक निज़ामुद्दीन नाम का लड़का पेश हो गया, वो कहता है कि मेरी बीवी थी, कोई डॉक्यूमेंट से ही निकाल के, कोई सर्टिफिकेट नहीं कोर्ट का, तो कैसे पता चलेगा इसे? अच्छा, इनके घर वालों का क्या कहना है, कुछ इस तरह के बीवी है तो? घर वालों का, मोहल्ले वालों का ये कहना है कि लड़की बहुत शरीफ थी, सीधा आप ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी। हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं उस गली में, सबका ये कहना है लड़की बहुत शरीफ थी, और कोई इस पर आरोप लगाना सब गलत है। अच्छा, जैसे निर्भय कांड हुआ है, इसने निर्भय कांड को भी पीछे छोड़ दिया, हालांकि उसके जो दोषी थे उनको फांसी दे दी गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंसानियत की वजह से ये ना सोचा जाए कि ये राबिया है, निर्भय कांड हो या कोई भी हो, दरिंदगी जो है उसको जो है सज़ा मिलनी ही चाहिए। भाई निर्भया से कई गुना ज़्यादा गलत काम हुआ है, और सबके फैमिली वाले हैं, सब भी बच्चे वाले हैं हर कौम के अंदर, तो सबको चाहिए सब एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। इंसान की शक्ल में आज दुनिया में जानवर घूम रहा है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे पर तोहमत लगाते रहेंगे कि वो हिंदू वो मुसलमान, तो ये जो जानवर घूम रहा है ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे। देखिए, आदमी जो है इसको ये चाहिए कि ख़ासकर चाहे वो कोई भी किसी की भी बच्ची हो, उस बच्ची को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि जिस वक्त आदमी जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वो उम्र एक अलग होती है। तो अगर आपके घर से ही जो आजकल ये मोबाइल आ गया है, मोबाइल ने बिल्कुल वो कर दिया, तो मोबाइल आजकल ज़रूरत भी है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, लेकिन आप उससे ऑनलाइन क्लास के बाद उसको पूछ भी तो सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। देखिए, ये मैटर एक अलग है कि ये तो हर समाज के अंदर जहर घुल दिए मोबाइल ने, ये मैटर अलग है। लेकिन अब इसका मसला इस टाइम यह है, निर्भया वाला कांड के बाद जो दूसरा हुआ है, तो उसके घर वाले भी मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, जिस एडवोकेट ने निर्भया का केस लड़ा था वही इस केस को लड़े। अच्छा, जैसे लोग जो है बहुत हर जगह महिलाएँ भी और आदमी भी आक्रोश में कैंडल मार्च भी निकाल लें, तो आपने भी ऐसा कुछ करा या करने जा रहे हैं? हमारा प्रोग्राम बन गया एक दो दिन में, वहाँ जाके उनके साथ शामिल होने का और उनके दुख में खड़े होने का। फिलहाल तो अभी पता चला है पुलिस वहाँ रुकने नहीं दे रही, सबको भगाए चले आ रही है। अच्छा, ऐसा भाई पता नहीं चला कि जैसे ये लड़की की जहाँ ये ड्यूटी करती थी लाजपत नगर में, और लाश मिली है उधर सूरज कुंड के वहाँ, तो ऐसा अभी इसके बीच का जो पता नहीं चल पा रहा कि वहाँ कैसे पहुँची? पुलिस जाँच ही नहीं कर रही। अगर पुलिस जाँच कर रहे और सब क्लियर हो जाएगा, ऑफिस के लोगों से पता चल जाएगा, कैमरे फुटेज आएगी, कब निकली थी, वहाँ कैसे पहुँची, किस तरह गई, उसकी जो गाड़ी थी वो कहाँ है, तो ये तो सब खुल जाएगी बात। अच्छा, उसके मोबाइल वगैरह होंगे उसमें सब, भी होगा सब, तो लोकेशन पता चल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक गई, किस किस से बात हुई है। लेकिन पुलिस जाँच करे तब ना, पुलिस भी जाँच करेगी, क्योंकि वो तो खुद स्टाफ का मामला आ गया, स्टाफ का आ गया, लेकिन पुलिस पर भी कुछ दबाव लग रहा है हमें, कि पुलिस पर भी कुछ दबाव हो सकता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ माइनॉरिटी चेयरमैन जाकिर खान से कि ये भी थोड़ा आवाज़ उठाएं। नहीं, उन्होंने सुना कि जाकिर खान ने जो है एप्लीकेशन वगैरह जो होती है उन्होंने कार्रवाई फर्दर की है, आगे की अगर आप हैं तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। नहीं, हमारा बीच में प्रोग्राम हो रहा है, उनसे भी मिलने लगा, क्योंकि बोलना चाहिए ऐसे टाइम पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंसानियत जो है शर्मसार हो रही है। बिल्कुल, आप उनसे टाइम लें, उनसे मिलें, ज़रूरी नहीं है कि जाकिर खान है और भी जो माइनॉरिटी के बीजेपी के भी हैं उनके भी आप सबसे मिल के जो है, ये तो एक इंसानियत की बात है। अब आप ये बताइए कि अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि इसको इंसाफ दिलाएं, जो भी हो हमसे बन पड़ेगा। और अमानतुल्लाह साहब ने सुना है 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो भाई 5 लाख रुपए देने से 10 लाख रुपए देने किसी के आंसू नहीं पुछ जाते, किसी का घर वीरान हो गया, उजड़ गया, तो आपको जो है ना मरहम लगाने की ज़रूरत है, 5 लाख की नहीं,
उनका साथ देने की, उनको सजा दिलाने की। ये जो बात चल रही है इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज इंसानियत नहीं, इंसानियत शर्मसार है और ये जानवर जो घूम रहे हैं इन पे लगाम गुजारो। ये निर्भय कांड से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये नहीं सोचा जाए कि ये बच्चे किसके, लेकिन इंसानियत के नाते जो है इनको सब मिल के, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम पार्टी के हों, इंसानियत के नाम पे सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके जो दोषी हैं उनको सजा दिलवानी चाहिए। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।